तो फ्रेंड्स यहाँ ओपन हो चुका है मेरा, देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर का, तो यहाँ ओपन कर चुका हूँ मैं रिक्वायरमेंट। तो यहाँ चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ आई एग्री लिखा हुआ है, तो उस आई एग्री के ऊपर क्लिक कर लेंगे और यहाँ स्टार्ट बटन लिखा है उसके ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है फ्रेंड्स। तो और जो री लॉग इन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से नीचे वाले पे लॉग इन करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ अभी हमारा पर्सनल डिटेल इसमें फिलअप करना पड़ेगा, तो यहाँ दिया है पोस्ट का नाम जिसमें तीनों पोस्ट को दिया हुआ है, तो आपको नर्सिंग ऑफिसर में भरना है, तो स्टाफ नर्स फर्स्ट नंबर पे है उसको क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट्स नाम, मत मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, तो सभी चीज़ को यहाँ मैं जल्दी जल्दी से भर लेता हूँ फ्रेंड्स। आप यहाँ देख रहे हैं, आप अपना अपना मोबाइल नंबर भरिएगा, यहाँ मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी बिल्कुल ना डालें फ्रेंड्स आपको, बस मैं सिर्फ ये डेमो के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपको फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है, अब इसके बाद आपको यहाँ जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे और आ जाएगा आपका आईडी और पासवर्ड, दोनों आईडी पासवर्ड आ गया है मेरे मोबाइल नंबर पे। तो फ्रेंड्स मैं चलिए यहाँ अपना यूज़र आईडी और यहाँ पासवर्ड में दोनों फिल कर लेता हूँ, या पासवर्ड मैं यहाँ नीचे से चेंज भी कर सकता हूँ। ये इसको फिल करके हम लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ सेव पासवर्ड बोल रहा है, तो मैं चलिए इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा ओपन हो चुका है, यहाँ एम्स नर्सिंग का नंबर, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा दिया हुआ है। चलिए अब ऊपर में आप देखें राइट साइड में दिया हुआ है, तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स यह मोबाइल पे नहीं होगा, मैंने मोबाइल पे बहुत बार ट्राई किया बट नहीं हुआ, सभी तरीके के से अपना चुका बट नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स अब इसको आप केवल पीसी से ही कर सकेंगे या लैपटॉप में। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको चार कलम पूरा करना है, तो इसमें आप पहले में देख सकते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स में दिया हुआ है, इसमें कुछ पहले से फिलअप है और कुछ आज में, जैसे आपको ये सारे डिटेल आपको फिलअप कर लेना है। तो यहाँ आप फिजिकल हैंडीकैप से हैं या नहीं, तो मैंने यहाँ यस कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि मेरे एस करने से पेमेंट्स नहीं करना है, इसलिए मैं सिर्फ डेमो के लिए एस कर दिया हूँ। इसके बाद आपको फर्स्ट करने के बाद, सेव करने के बाद सेकेंड में जब जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ बीच में एस क्लिक कर दीजिएगा तो दोनों सेम आ जाएंगे, एंड सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, तो फ्रेंड्स आप यहाँ 10th 12th सभी क्वालिफिकेशन को इसमें आप फिलअप कर लीजिए, जैसे यहाँ CGPSC मैंने डाला है, बोर्ड का नाम और ईयर ऑफ पासिंग, ऑल सब्जेक्ट्स और परसेंटेज इसी तरीके से 12th का है, 12th के बाद यहाँ यूजी डिग्री है जिसमें BSc आप नर्सिंग किए हैं, जो भी किए हैं वो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद PG डिग्री अगर है तो भरिए, नहीं तो नहीं भरना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स एस, रजिस्ट्रेशन नर्सिंग में काउंसलिंग है तो यस कर दीजिए, अब रजिस्टर्ड है तो यहाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस, नहीं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आई डिक्लेरेशन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे देखिए फ्रेंड्स 4th नंबर पे आ गया है डिक्लेरेशन, जिसमें आपको फीस पेमेंट मेरा जीरो बता रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि हैंडीकैप मैंने डाला है। नीचे डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको करना पड़ेंगे, जिसमें आपका एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ क्लिक हियर टू अपलोड्स। तो मैंने देखिए यहाँ एक फ़ोटो जो 100 KB से अंदर होना चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ कर लिया फ्रेंड्स और यहाँ क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए सिग्नेचर के जगह में भी मैं फ़ोटो को अपलोड कर दे रहा हूँ फ़ोटो, क्योंकि मेरे पास अभी सिग्नेचर का कम नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ आपको डेमो दिखाना है इसलिए मैंने यहाँ कर दिया है। फिर से मैं यहाँ ड्रैग और फाइल हियर लिखा है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ आपके फाइल पर रिडायरेक्ट कर देता है, जहाँ आपके फ़ोटो साइन होंगे वहाँ जाके आप इसको क्लिक करके और यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, फिर नीचे से क्लोज आपको कर देना, तो यहाँ अपलोड के ग्रीन कलर आ गया है। आप देखिए फ्रेंड्स साइन में मेरा नहीं दे रहा, तो फिर से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ फिर से ओके करता हूँ, तो यहाँ अपलोडेड हो चुका है। अब डिक्लेरेशन को पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आसानी से केयरफुली पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद फ्रेंड्स नीचे एक कैप्चा दिया हुआ है, आप यहाँ देख रहे हैं कैप्चा को क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कैप्चा में
नीचे यहाँ देखिए सबमिट के ऊपर आई एग्री दिया हुआ है, उस आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो देखिए मेरा एप्लीकेशन अब सब सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और नीचे आके आप देखते हैं फ़ोटो, देखिए फ़ोटो आ गया, साइन की जगह पर मेरा फ़ोटो वो स्ट्रेट मतलब चौड़ा होके आ गया फ्रेंड्स। ऊपर देखिए प्रिंट और लॉग आउट का ऑप्शन है, तो प्रिंट के ऑप्शन पर प्रिंट क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं, इसके बाद लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।